हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्लेनेट यानी कि ग्रह के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। इससे पहले के वीडियो में हमने ग्रह के बारे में जाना था, ग्रह किसे कहते हैं, उसकी स्थिति, सूर्य से वो किस किस दूरी पर थे और उनका क्रम। उसके बाद ग्रहों को हमने दो भागों में बांटा था, पार्थिव ग्रह तथा आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। तो आज हम पढ़ेंगे जो कि हमारे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट प्लेनेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रह के बारे में। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट है सूर्य के सबसे निकटतम, यानी कि सूर्य का जो सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है, हमारा बुध। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सबसे छोटा। तो हमारे पूरे सौरमंडल में अगर सबसे छोटे ग्रह की बात की जाए तो वो भी कौन सा है, बुध। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह, यानी कि वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे छोटा वर्ष होता है यानी कि साल, तो वो कौन सा हो जाएगा, बुध। फिर हमारा अगला पॉइंट है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। तापांतर का मतलब कि सर्दी के दिनों में ठंडा हो जाना और गर्मी के दिनों में बहुत ही अधिक गर्म हो जाना, उस इन्हीं दोनों के बीच के अंतर को हम लोग तापांतर कहते हैं। तो अगर सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह की बात की जाए तो कौन सा है, बुध। फिर अगला हमारा पॉइंट है सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह, यानी कि सबसे जो तेज गति से परिक्रमा करता है यानी कि अपने ही धुरी पर रहकर चारों तरफ घूमता है, वो कौन सा है, बुध। तो एक बार बुध के बारे में कौन कौन सा पॉइंट है एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम यानी कि सूर्य का सबसे नजदीक का तारा, नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध। उसके बाद सबसे छोटा वर्ष यानी कि सबसे कम साल होता है किसका, बुध का। फिर उसके बाद सबसे छोटा ग्रह यानी कि सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है कौन सा है, बुध। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट में। तो सेकेंड पॉइंट जो हमारा है ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट, वो तो हमने पढ़ा था सूर्य के सबसे निकट, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के सबसे निकट। यानी कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी हो गया तो उसके नजदीक में एकदम से कौन सा ग्रह है। फिर से सबसे गर्म यानी कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। फिर उसके बाद सर्वाधिक चमकीला यानी कि सबसे अधिक ग्रह कौन सा है जो चमकता है। उसके बाद इसी को बोलते हैं भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और भगिनी और सबसे कम परिक्रमण गति करने वाला ग्रह। इन सभी का जो उत्तर होगा, ये टोटल हमारा जो पॉइंट है, ये टोटल पॉइंट का हमारा आंसर कौन सा होगा, शुक्र। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं, यानी कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा होगा, तो शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहेंगे, तो शुक्र को। भोर का तारा, शाम का तारा, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि भोर का तारा मतलब कि जो सब मतलब कि अगर सुबह भी हो जाता है तो यह हमें बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है, और शाम का तारा मतलब कि जैसे ही अभी रात ढला मतलब कि शाम हुआ तो ये सबसे पहले दिखने लगा। यानी कि भोर का तारा और शाम का तारा किसको बोलेंगे, जिस समूह को हम लोग बोलेंगे, शुक्र को। उसके बाद पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, इसको तो हमने पढ़ लिया। फिर पृथ्वी की भगिनी भी इसको बोलते हैं, शुक्र को। उसके बाद ये सबसे चमकीला है, यानी कि अगर हमारे पूरे ब्रह्मांड में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है, तो उसका भी हमारा आंसर हो जाएगा, शुक्र। फिर अगला पॉइंट है शुक्र के बारे में कि सबसे कम परिभ्रमण गति वाला ग्रह, यानी कि जो है सभी ग्रहों का अलग अलग परिभ्रमण काल होता है। तो क्या बोल रहा है, सबसे कम यानी कि सबसे कम समय में जो परिभ्रमण करता है वो कौन सा ग्रह हुआ, हमारा शुक्र। फिर एक अगला पॉइंट है शुक्र के बारे में कि समान परिक्रमण एवं
परिभ्रमण करने वाला ग्रह, यानी कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है इसको जितना परिक्रमण काल में समय लगता है उतना ही परिभ्रमण काल में समय लगता है। आपको हम यह बता दें कि परिक्रमण काल किसको कहते हैं और परिभ्रमण, परिक्रमण मतलब कि चारों तरफ किसी चीज के घूमना चारों तरफ, उसी को बोलते हैं परिक्रमण। और परिभ्रमण बोलते हैं जो अपने धुरी पर ऐसे ऐसे जो गोल गोल घूमता है ऐसे ऐसे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिभ्रमण। तो शुक्र के बारे में हमने इन सभी पॉइंट को जाना। अब चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा बोल रहा है कि सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह, क्योंकि हमने पढ़ा कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है तो बुध, और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है तो शुक्र। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। तो हमारा सूर्य का सबसे दूर का जो ग्रह है यह हमारा कौन सा है, वरुण। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेपच्यून। उसके बाद वरुण के बारे में अगला पॉइंट है सबसे लंबे वर्ष वाला, यानी कि वरुण हमारा एक ऐसा ग्रह है यहाँ पर सबसे लंबा साल होता है, यानी कि सबसे लंबा वर्ष। जैसे कि पृथ्वी पे जो हमारा कितना होता है, 365 दिन का एक वर्ष होता है यानी कि एक साल, उसी तरह से सबसे लंबा वर्ष अगर पूछा जाए कि किस ग्रह पे होता है तो क्या हम बताएंगे, वरुण ग्रह पर। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला। न्यूनतम गति मतलब कि एकदम धीरे धीरे, यानी कि इसको हम लोग देहात के भाषा में क्या बोलते हैं, कोई अगर धीरे धीरे चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, लुसुर लुसुर। तो वही एकदम लुसुर लुसुर जो करता है, करने वाला जो परिक्रमा करता है वो कौन सा ग्रह है हमारा, वरुण ग्रह। अब हम लोग अगला पॉइंट चलते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा कि सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह क्या पढ़ा हमने, बुध। उसी प्रकार अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे बड़ा ग्रह, यानी कि जो हमारा पूरे सौरमंडल का अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो कौन सा होगा हमारा, बृहस्पति। उसके बाद अगला पॉइंट है बृहस्पति के बारे में धुरी पर सर्वाधिक तेजी से परिक्रमण करने वाला। मान लीजिए ये इसका धुरी हो गया और इसी पे एक गोल 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 ऐसे जो घूम रहा है, मतलब कि सबसे तेजी से घूमता है अपने धुरी पर खड़ा होकर, और सबसे तेजी से जो घूमता है वो कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो भी क्या होगा हमारा, बृहस्पति। अब अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग मंगल ग्रह के बारे में। तो लाल ग्रह, जैसे कि हमने पढ़ा था पृथ्वी वाले चैप्टर में कि पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, हरा ग्रह भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर हमारा जीवन संभव है। तो उसी प्रकार से अनेक ग्रहों के अलग अलग रंग होते हैं, तो उसी प्रकार से जो लाल रंग का हमारा ग्रह दिखाई देता है यानी कि रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट हम लोग किसको बोलेंगे, मंगल को, यानी कि मंगल क्या है, लाल ग्रह। फिर इसके बारे में अगला पॉइंट है पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है, चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है 23.5 डिग्री की ओर झुका हुआ है, यानी कि जितना पृथ्वी झुका हुआ है उतना ही कौन सा हमारा ग्रह झुका हुआ है, मंगल ग्रह। इसीलिए लिखा हुआ है कि पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव, यानी कि जो उसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है उतना ही मंगल भी हमारा झुका हुआ है। फिर अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह। जैसे कि इससे क्या आप समझ रहे हैं, यानी कि हमारे जो पृथ्वी पर 24 घंटा मिलाकर दिन और रात बनते हैं, तो 24 घंटा का ही दिन और रात कहां पर होता है, मंगल पर होता है। ठीक, अब अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं हरे रंग का ग्रह। हरे रंग का ग्रह किसको बोलते हैं, तो हरे रंग का ग्रह अरुण को। चूंकि हमने अभी कहा कि प्रत्येक ग्रहों का अलग अलग रंग होता है, तो इससे पहले क्या हमने पढ़ा, लाल ग्रह। लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मंगल को। अब आते हैं हरे ग्रह, यानी कि हरा ग्रह किसको बोलेंगे, ग्रीन प्लेनेट। तो अरुण को हम लोग हरा रंग का ग्रह बोलेंगे। फिर इसका अगला पॉइंट है उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला। उत्तर, जैसे कि हमारा ये इस ऊपर हमारा हमेशा उत्तर रहता है और नीचे क्या रहता है, दक्षिण।
तो मतलब कि ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला कौन सा ग्रह है? अरुण यानी कि यूरेनस। फिर अरुण के ग्रह में अगला पॉइंट है जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। चूंकि हमारे पृथ्वी पर जो सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है, यानी कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगते हैं और पश्चिम दिशा में डूबते हैं, लेकिन अरुण एक ऐसा ग्रह है जिसके जस्ट ये उलट होता है, यानी कि पश्चिम में सूर्योदय होता है और पूर्व में सूर्यास्त होता है। तो हमारा ये सवाल पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर पश्चिम में सूर्योदय होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अरुण ग्रह। फिर अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं यहाँ पे, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह। सर्वाधिक घनत्व यानी कि जो सबसे घना ग्रह है, यानी कि एकदम सबसे मतलब कि एक तरह से भारी भी बोल सकते हैं, यानी कि सर्वाधिक घनत्व वाला जो हमारा ग्रह है ये हमारा पृथ्वी यानी कि अर्थ होगा। उसके बाद ये पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर हमारा जीवन संभव है, बाकी अन्य सभी सातों ग्रहों पर हमारा जीवन संभव नहीं है। यहाँ जो सभी वैज्ञानिक है वो अनेक ग्रहों पर खोज में लगे हुए हैं कि किस ग्रह पर हमारा और जीवन संभव हो सकता है। तो कहीं पर पानी मिला हुआ है तो कहीं पर वायुमंडल नहीं, तो कहीं पर हवा मिला है तो कहीं कुछ नहीं, यानी कि कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर ये हमारा जीने के लिए सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी हो सके। फिर अगले हम लोग बात करते हैं पॉइंट जो है छल्ले वाला ग्रह, यानी कि छल्ला वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा है? शनि हुआ और एक अरुण हुआ। छल्ले यानी कि वलय, इसको आपको ऐसे पूछता है कि वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर छल्ला होता है, या वलय वाला ग्रह कौन सा है। तो ऐसे ग्रह जो है हमारा दो है, शनि हो गया एक अरुण। कैसे? मान लीजिए कि ये हमारा एक शनि ग्रह हो गया, इसी के जस्ट ऐसे करके जो हमारा यही हमारा वलय हो गया, यानी कि जो ग्रह होता है उसके चारों ओर एक प्रकार का जो घेरा होता है उसी को हम लोग वलय बोलते हैं या छल्ला बोलते हैं। तो उस प्रकार का कौन सा ग्रह है? शनि और अरुण। उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट बात करते हैं सर्वाधिक ग्रहों वाला ग्रह, यानी कि जैसे कि हमारे पृथ्वी का जो एक उपग्रह है कौन सा है? तो चंद्रमा हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह है और एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उसी प्रकार से सर्वाधिक उपग्रहों यहाँ पे होगा, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा होगा? शनि। यानी कि हमारा शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है और इसकी संख्या कितनी है? 82। इससे जो पहले था बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या थी, लेकिन वर्तमान में क्या खोजा गया है कि शनि ग्रह पर सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या है और उनकी संख्या कितनी है? तो 82। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो भी हमें ग्रह के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी उसको हमने पढ़ा। तो चलिए एक बार हम लोग तुरंत से रिवीजन कर लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट हुआ बुध। बुध के बारे में अगर बात करें तो क्या हुआ? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह और सबसे छोटा ग्रह, ये सब कौन होगा? बुध। उसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। इसको भोर का तारा, शाम का तारा और क्या, पृथ्वी की भगिनी, ये सब बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सूर्य के सबसे अधिक दूरी, हाँ सूर्य के जो सबसे अधिक दूरी पर स्थित है वो कौन सा ग्रह है? वरुण। और सूर्य के सबसे नजदीक बुध हुआ। और उसके बाद एक पॉइंट है कि हमारा पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र। उसके बाद बात करते हैं कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को। और हरा ग्रह किसको बोलते हैं? तो अरुण को। और एक हमारा पृथ्वी के बारे में क्या है कि नीला ग्रह किसको बोलते हैं, यानी कि ब्लू प्लेनेट, तो ब्लू प्लेनेट अर्थ को बोलते हैं। फिर और कुछ बात है कि सर्वाधिक घनत्व वाला
यानी कि जो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी है। उसके बाद छल्ले वाला ग्रह कौन सा है हमारा? शनि और अरुण। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ग्रह के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप एक से दो बार देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।